अरे करण भाई, करण भाई याद रखो मैं वही मकई भी देना। अरे करण भाई ने गाड़ी रोका, लेकिन साथ बता रहा हूँ, मुझे इतना अच्छा लगा। करण भाई ने काफिला रखवाया और उस मकई को गले लगाया और हम लोग को बताया कि ये वही मैकेनिक है। जब मैं ठंड चलाता था तो मेरी ठंड बिगड़ जाती थी, तो मैं उसको फोन करता था, यही मैकेनिक आया। और समझ लीजिए वो मैकेनिक इतना पसंद हुआ, इतना पसंद हुआ कि वो कुछ भी देख करके मुझे लगा कि वास्तव में सही चुनाव ऐसे ही नेता को समाज सेवक भी होना चाहिए। और वास्तव में अब गणेश भाई तो है नहीं, ऐसी कई घटनाएं हैं, क्या उनके बारे में बताऊं आपको। ऐसी कई घटना मैंने देखा। एक बार तो ऐसी स्थिति आई कि मैं बैठा था और नीचे बैठा था उनके दरवाजे पे, एक उनका बहुत ही हम जोड़ी साथी था उनका, बब्बर प्रजापति उसका नाम था। वो हमेशा उनसे अभी तभी से बात करता था कि तो उसको कोई शायद समस्या हो गई। सामने थाना था, उसके भाई उनको पकड़ लिया गया था और उसको मारने पीटा। वो आया बुलाने के लिए, गणेश भाई गाड़ी बना रहे थे, एक तरफ की गाड़ी छिली हुई थी और वो नीचे शायद चिल्लाकर में गणेश अभी गणेश शब्दों में जैसे उसकी एक प्रेम भावता होती है बुला रहा था। तो गणेश भाई ने बार बार बुला रहा था, वो आधे तरफ गाड़ी वाली है तो एक गाड़ी बन गया था हमारी नीचे। तो खिसिया उधर पहुंच गया, जब उधर पहुंच गया तो जो भी भाषा उन्होंने उपयोग किया तुरंत जो आधी गाड़ी बनी हुई थी, आधे साबुन छिला हुआ था, आधे में साबुन लगा हुआ था, उतरे लुंगी बांधे इनका। कि तुरंत बंदा लुंगी पहने हुए एक तरफ पानी बनी हुई थाने में घुस गया और जब जैसी तैसी किया, तुरंत उसको छुआ के आए। ऐसे मतलब ऐसे गणेश भाई का व्यक्तित्व रहा, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ कि आपके बीच में एक ऐसा समाज सेवी आया है, एक ऐसा नेता आया है जो आपके स्तुति में खड़ा रहेगा। हमारे बीच में आज जो हमारे पूर्व पार्षद वर्तमान में नामित पार्षद के रूप में निवर्तमान में रूप में विराजमान और वर्तमान में जिनकी पत्नी को आप लोगों ने बहुत ऐतिहासिक मतों से अपना आशीर्वाद देकर के लगभग 1000 वोटों से विजयी प्रदान कराने में जो आशीर्वाद सहयोग दिया, ऐसे भाई राजेश निषाद जी जिन्होंने नामित पार्षद रहते हुए, मैं कह सकता हूं कि नामित पार्षद रहते हुए विपक्ष का पार्षद था, कांग्रेस का पार्षद था, किंतु उन्होंने नामित पार्षद जब बने हैं, उन्होंने नामित पार्षद रहते हुए दारागंज क्षेत्र में जितना काम किया है। मैं ये बात अलग है कि मैं भी टिकट मांग रहा था, वो भी टिकट मांग रहे थे, पार्टी के कार्यकर्ता होकर के टिकट मांगना कोई बुरी बात नहीं है। मैं कभी भी हम लोगों के बीच में किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं था। भरत जी बैठे, भरत जी भी अपनी पत्नी की टिकट मांग रहे थे, हम लोगों ने टिकट मांगने का काम किया। टिकट मिलने के बाद जो भी जिसको टिकट मिला उसको जीत दिलाने में जो जितना हम लोग संबंध काम उन्होंने किया, क्योंकि मैं ये कह सकता हूँ कि शायद हमको टिकट मिलता तो मैं अपनी जोरदारी तरीके से नहीं जीत पाता। ये राजेंद्र प्रसाद जी ने जो काम किया था, इनके काम के बल पर हम लोग भी वो टिकट मांग रहे थे, तो इनके काम के बल पर मांग रहे थे, क्योंकि इनके बने हम लोग जीत भी नहीं पाते। तो मुझे पता भी था कि अगर हमको मेरा टिकट मिलता भी तो मैं बिना इनके सहयोग के हम लोग जीत भी नहीं सकते थे। तो ईश्वर ने जो अब बात करते हैं, आए अभिषेक जी बैठे आइए, हमारे अस्थि कार्यक्रम के आयोजन भाई अभिषेक जी आ गए हैं, मैं उनका भी मंत्र से आवाहन कर बैठिए करिए, बैठिए कार्यक्रम चलेगा। ऐसे राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में चर्चा कर रहा था कि जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से दारागंज देश की जनता के लिए जो कोई मतदाता नहीं भी था, जिसका क्षेत्र हमारा जो कहते नहीं ये क्षेत्र हमको वोट नहीं दिया, उस क्षेत्र में उन्होंने काम कराया, जिसका परिणाम हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने इन पर विश्वास जताया और उनको आशीर्वाद दिया पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने, और जनता ने तो उनको हाथों हाथ करके जनता ने उनको अपना आशीर्वाद दिया। ऐसे राजेंद्र प्रसाद जी का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ और दसवीं खुशी छोड़ में उनकी हमारे पार्षद महोदया भी यहाँ उपस्थित हो जाएंगे और हमारे महापौर जी। बस मैं औपचारिक रूप से मैं चाहूंगा कि मंच पर तीनों पार्षद अगर आ जाए तो मैं अपने इस कार्रवाई को कार्यक्रम प्रारंभ कर दूं और महापौर जी को बुलाता हूं। अपने बीच में मंडल के हमारे मंडल मंत्री और कार्यवाहक महामंत्री के रूप में सुनील निकास जी हैं, जिनका ये क्षेत्र है। मेरा दुर्भाग्य है कि इनके क्षेत्र में जब कार्यक्रम होता है तो ये गायब रहते हैं, जबकि जिम्मेदारी इनकी है, मगर ये नहीं रहते। घर आए हम उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। संतोष कुमार निषाद और संतोष सोनी जी का भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ और
आज इस कार्यक्रम की कार्यवाही प्रारंभ करूं, उसके लिए मैं अपने बीच में सर्वप्रथम हमारे बीच में कुलदीप दुबे जी बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा आए और अपने अच्छे प्रतिनिधि जी के लिए, राजीव निषाद जी के लिए अपनी शुभकामनाएं शब्दों के माध्यम से व्यक्त करें। कुलदीप दुबे जी,